नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, किसानों के लिए खुशखबरी आई है। पाले के कारण सरसों की बर्बाद हुई फसल का अब मुआवजा मिलेगा। आपको यहां पे लगभग 20,000 रुपये के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलने वाला है। सभी किसानों के लिए यहाँ पर खुशखबरी आई है, जिन्होंने यहाँ पर अपने खेत में सरसों की बुआई कर रखी है। यदि आपकी भी फसल पाले के कारण खराब हो गई है तो आप किस प्रकार इसका मुआवजा ले सकेंगे और आपको कितना मुआवजा मिलेगा, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ जी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पाले से बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी। हाँ जी, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार सरसों की फसल का मुआवजा मिलेगा, अदरवाइज आप मुआवजा लेने से वंचित रह जाएंगे। अब हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। पिछले दिनों अत्यधिक ठंड पाले से बर्बाद हुई सरसों की गिरदावरी व नुकसान के आंकलन के लिए सरकार के निर्देश अनुसार उपायुक्त नरेश नरवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी का गठन किया। इसके अलावा उपायुक्त श्री नरवाल ने सभी उपमंडल व खंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। गिरदावरी के दौरान ही फसलों के नुकसान का आंकलन किया जाएगा। जिस भी किसान की जितनी ज़्यादा अधिक फसल खराब होगी उसको उतना ही अधिक मुआवजा मिलेगा, और आपको कितना मुआवजा मिलेगा इस वीडियो से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। गिरदावरी का कार्य 1 फरवरी से गिरदावरी का कार्य शुरू कर दिया है, जो कि 1 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों अत्यधिक ठंड पाले से सरसों की फसल बर्बाद हो गई थी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने स्वयं लोहारू, शिवानी, बहल व तोसाम क्षेत्र का दौरा कर सरसों की फसल के नुकसान का जायजा लिया था। किसानों ने कृषि मंत्री श्री दलाल ने नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की थी, जिस पर कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया था कि सरकार द्वारा गिरदावरी करवाई जाएगी तथा सरसों की फसल में पाले से हुए नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी व प्रदेश सरकार करेगी, किसानों को नुकसान को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के चलते सरकार के निर्देश अनुसार उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला भर में अत्यधिक ठंड व पाले से सरसों की फसल में हुई नुकसान की गिरदावरी कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। उपायुक्त श्री नरवाल ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग, मार्केट कमेटी, पंचायत व बागवानी विभागों के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी का गठन किया है, जो फसल गिरदावरी का कार्य पूरा करवाएगी। खंड सत्र के अधिकारी गिरदावरी कार्य को निरीक्षण कर उसे सत्यापित करने का काम करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे जानकारी मिली है कि नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक का समय यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 1 फरवरी से आपकी यहाँ पे गिरदावरी शुरू हो जाएगी और यह गिरदावरी 1 मार्च तक चलेगी। जिस कंडीशन में फसल खराब हुई है उसी के हिसाब से मुआवजा तय किया जाएगा और सभी किसानों को यहाँ पे मुआवजा मिलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को भी समय से पहले तैयार करवा लें, ताकि आपको मुआवजा लेने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या न आए। जैसे कि आपकी गिरदावरी यानी कि आपकी ज़मीन की फड़द, आपका जिस भी बैंक में खाता है उस खाते के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, यदि आपकी ऐसी कोई छोटी मोटी समस्या है तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं। आपको इस मुआवजे की जो राशि है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे फार्म भरते समय लगाएंगे। और इसके फार्म भरने हाल ही में शुरू नहीं हुए हैं, बहुत ही जल्द आपको फार्म भरने का मौका भी मिलेगा और जिस किसान की फसल बर्बाद हुई है उसको मुआवजा की राशि दी जाएगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि किसी किसान साथी की फसल बर्बाद हुई है तो वह वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, उसका मुआवजा दिलाने में हम भरपूर कोशिश करेंगे और उसको मुआवजा समय पर मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।